जय हिंद दोस्तों। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोस, पुलिस और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। वहीं मारे गए नक्सलियों में 11 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं। साथ ही सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी छत्तीसगढ़ के बीजापुर के गंगालूर इलाके में मंगलवार की सुबह से ही सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। वहीं जवानों ने अब तक मुठभेड़ वाली जगह से 13 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। वैसे इस एनकाउंटर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है और हाल ही के सालों में हुए सबसे बड़े इनकाउंटर्स में से एक है और जवानों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सुबह से मुठभेड़ के बाद से कोबरा 210 बटालियन व डीआरजी के जवान मुठभेड़ वाले इलाके में मौजूद हैं। वैसे दोस्तों ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के दौरान सुरक्षा बलों ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। दरअसल TCOC एक टर्म है जिसके दौरान नक्सल ऑर्गेनाइजेशन अपनी बदली हुई रणनीति के साथ फोर्स पर हमला करते हैं। वहीं मंगलवार शाम अंधेरे में सर्च ऑपरेशन को रोक उसी जंगल में जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ जिस इलाके में हुई उस जंगल में कई घायल नक्सलियों के छिपे होने की भी जानकारी सुरक्षा बलों के पास है। यानी रात भर जवानों ने पोजीशन लेकर पूरे जंगल को घेरे रखा और तड़के सुबह से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह जिन नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई वो नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के प्लाटून के कंपनी नंबर 2 का कमांडर है। नक्सली कमांडर का नाम मोडियाम वेल्ला है और रिपोर्ट के मुताबिक जवानों को और भी कई नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली है। यानी मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में वेपन्स भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से LMG और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि DRG, CRPF, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन और CAPF के जवानों की ज्वाइंट टीम ने इस एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो दोस्तों डिफेंस से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।